पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार है। फाई सूरत मलुकी वेश एठ अगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बोता वारी धान करो ढा करता है। कहते हैं ये ठगवाड़ा यानी ठग ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये खुद परमात्मा है, एक धान की लीला भूमिका कर रहा है, ये मालिक है, सर्वशक्तिमान है। कहते नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तुल जावे, एक सेकंड में सामने है, दूसरे सेकंड में सतलोक असंख्य 16 संख कोश की दूरी पर वहां बैठ जाता है, जाके एक सेकंड में यहां आ जाता है एक पल में। तो मैं इसका कैसे वार पार पा सकता हूं? नीच जात परदेसी मेरा, ये 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब के अंकित है ये वाणी। आंदुला नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तब जावे, और ताकि संगत नानक रेंदा चौकर मुंडा पावे। 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अपने आत्मा परमात्मा का काम त्रुटि युक्त नहीं होता, ऐसे महापुरुषों की गवाही दिला रखी है, कोई इसको ये नहीं कह सकता कि न जो बोले झूठ है। और इतना संसार इनका आदर और सत्कार कर रहा है कि महापुरुष थे, इनको परमात्मा मिले हैं, ये भी खूब प्रसिद्ध है। और वो महापुरुष क्या बता रहे हैं कि कौन है वो भगवान? दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरधार। दादू नाम कबीर की जय, कोई ले वे ओठ ताको कभी लगे नहीं भाई काल बजर की चोट। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। तो उन महापुरुषों को परमात्मा क्यों अपने उनको किस लिए वहां ले गए फिर वापस छोड़ा? इसलिए कि ये मेरे आने वाले कलयुग के इस समय में, ये प्राइम टाइम में, इस सवर्ण युग में, इस भक्ति युग में मेरे बच्चों को मुझे समझने में ये घने सहयोगी होंगे, और इनके द्वारा दिए गए प्रमाण को कोई झुठला नहीं सकता। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में कभी किसी युग में कोई पुण्यात्मा परमात्मा की शरण में आ भी गया
तो फिर परमात्मा उसमें एक भक्ति अंश प्रवेश कर देता है, भक्ति बीज बो देता है। फिर ठीक है, भले ही वो डगमग हो जाता है, संसार से वो हटा नहीं पाता अपनी वृत्ति को, और संसार में फिर भटक रहा होता है, पशु पक्षियों की योनियों में भी जाता है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा ने एक बीज छोड़ दिया, भक्ति का अंश वो डाल दिया। और जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, उसके अंदर कुछ दिनों के बाद वो भक्ति फिर से जागृत हो जाएगी, और उसके जागृत करने के लिए सत्संग और परमात्मा के महिमा की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा स्वयं आकर फिर उसको संभालते हैं, किसी ना किसी रूप में जाकर सत्संग सुनाते हैं, वो फिर से प्रारंभ करता है भक्ति। लेकिन वो समय बहुत बदल जाता है, बहुत समय चला जाता है, जिस कारण से हम अभी तक यहां भटक रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप जितने भी भक्त, बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग, बच्चे आज परमात्मा की शरण में आ रहे हो, आपके इस जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है। इस जन्म में तो कोई अच्छा काम हमने कराया ही नहीं, जब तक भगवान मिले, जो मार्ग मिला, तो इससे सब सिद्ध है कि ये मार्ग मिलना, ये भगवान मिलना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि लखबर सूरा दूर ही लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले, कि लाख बार सूरवीर रहे हो, लाख बार सावत दे प्राप्त हुई हो, और लाखों बार हनुमान जैसे यति रहे हो, यानी परमार्थ के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन श्री रामचंद्र जी के लिए किस प्रकार निस्वार्थ भाव से उनका सहयोग दिया, और यति रहे, जति रहे, यानी अपने धर्म कर्म के सूचे रहे, ब्रह्मचारी पद पर रहे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ऐसे शुभ कर्म संस्कार आप जीने, असंख्य जन्म पालिए ऐसे ऐसे, लेकिन ये मुक्ति मार्ग नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद इतने शुभ कर्म करते करते आपके फिर शुभ संस्कार घने हो जाते हैं, उनके संयोग से फिर जाके भगवान दया करते हैं किसी जन्म में आपको। परमात्मा स्वयं आकर के किसी साधु संत रूप में दीक्षित कर जाते हैं, यथार्थ भक्ति प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो आत्मा उस भक्ति बीज के कारण परमात्मा की भूल उसके पड़ती नहीं। चाहे वो 84 योनियों में से भटक कर भी आया हो, ठीक है, मनुष्य जीवन सीधा जब मनुष्य जीवन मिलेगा उस जीवन में जल्दी से उसके असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अधिक संसद सुनने से उसको अवश्य वह बात स्वीकार्य होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जी आज के नहीं हो भगवान के साथ, आपने असंख्य जन्मों से आपके पीछे परमात्मा लगे हुए हैं, और आप बालक हो, आप भूल जाते हो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, दुख में तो हम परमात्मा को स्वाभाविक याद करते हैं, और सुख होते हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे क्यों होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीर तादास की फिर कौन सुने फरियाद। अब क्या बताते हैं कि जब सुख में तो परमात्मा को याद किया नहीं, और दुख हुए जो परमात्मा करते फिरे, और यदि आप जी सुख में ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते तो ये कष्ट नहीं होते। अब यहां समस्या आती है कि प्रत्येक भक्त यहां सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आया है, ये भक्ति कर रहा था,
कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई संत गुरु से या अपनी परंपरागत साधना को अवश्य कर रहे थे। तो इनके मन में ये आएगा कि हम तो भक्ति कर ही रहे थे फिर भी दुखी हुए, तो उसके लिए सूक्ष्म वेद में बताया है, तुम कौन राम का जपते जापम तात कट नायति नो तापम। तुम कौन भगवानों की भक्ति कर रहे थे, उन भगवानों की, उन रामों की भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रारब्ध के कर्म तो दूर रहे समाप्त होने, आपके तीन ताप भी नहीं नष्ट हो सकते। तीन ताप के अंतर्गत जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है या किसी पर तांत्रिक विद्या छोड़ देता है या किसी पर कोई भूत प्रेत का की बाधा है, साया है प्रेत का, और इस प्रकार के जो कष्ट हैं ये तीन ताप के अंतर्गत आते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम आप जी सोचोगे कि हम भक्ति तो कर ही रहे थे और उसके बाद भी आप दुखी हुए, उसका कारण क्या था कि पहले तो आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले को भी कुछ राहत मिले तो आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे थे जो ना आपको सुख दे सकते ना दुख दे सकते, अर्थात आपके संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तीन ताप को भी नहीं समाप्त कर सकते। उदाहरण के लिए अब जैसे परमात्मा की दो साखी दास ने बोली, पहले इनको स्पष्ट करता हूं कि दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमरण करें दुख काहे को हुई। तो ये सुमरण किसका करना है, कैसे करना है, वो परमात्मा की वाणी बता रही है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना उसके परम संत से लेकर और शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले को यदि वो सुख में सुमरण कर रहा है तो दुख नहीं हो सकता, और ये भक्ति ना करते तो फिर क्या कहते हैं, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। जिन्होंने सुख में ये सब साधना नहीं की और फिर दुख में उसको याद करते हो तो उसकी फरियाद, उसकी अर्जी लगेगी नहीं। उसकी अर्जी कैसे लगेगी, फिर उसके लिए परमात्मा का एक नुमाइंदा चाहिएगा, परमात्मा का भेजा हुआ संत जो उनका कृपा पात्र होता है उसके माध्यम से फिर आपकी सुनाई होगी, और वो ये गारंटी लेता है कि आगे ये आपकी मालिक सदा भक्ति करेगा, आपके चरणों में रहेगा, तो तब आपकी सुनाई शुरू होती है सच्चे दरबार में। तो ये दास आपका बीच में एक मीडिएटर है, माध्यम है, मीडिया है परमात्मा और आत्मा के बीच में। तो आज जो दुखी सुख में भक्ति करते थे, अब जैसे आप जी पहले भक्ति भी कर रहे थे किसी ना किसी इष्ट देव की, फिर भी संकटों ने घेर लिया, उसके बाद आप फिर किसी के माध्यम से सुन सुना कर यहां पर आए हो, तो अब आपकी अर्जी इस दास के माध्यम से भगवान के लगेगी और दास आपको बहुत ज्ञान देगा पहले नाम देने से पहले, क्योंकि प्रथम मंत्र आपको जो दिया जाता है इसको हम वैसे तो सारा ज्ञान समझा कर ही देते हैं, मर्यादा भी बताते हैं। प्रथम मंत्र प्राप्त प्राणी यदि कोई गलती भी कर देता है उसका अक्षमा योग्य है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये अभी ज्ञान से परिपक्व नहीं है, बालक है, फिर भी उसको समझाते हैं, बार बार उसको री उपदेश करते हैं कि कनेक्शन काट देना स्वभाव एक समझदारी नहीं है। जैसे बिजली की आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का,
तो बिजली का कनेक्शन लेने के बाद यदि आपके इंस्ट्रूमेंट सही होंगे तो वो पंखे की सब कुछ चलने शुरू हो जाएंगे। तो बिजली का कनेक्शन यहां से आपको दिया जाता सुप्रीम पावर का, और यहां से कनेक्शन लेते ही आपके घर पे बिजली आपसे पहले पहुंच जाती है, यानी परमात्मा। और यदि आप मर्यादा भंग कर देते हो तो आपका कनेक्शन कट जाता है, और कनेक्शन कटने के बाद फिर आपको लाभ बंद हो जाते हैं पावर के, ना पंखा चले ना कूलर चले। और फिर आपको पुनः कहा जाता है कि आपने नाम खंडित किया है, आपका कनेक्शन कटा है, पुनः से फिर से इसको सुचारू कराओ। तो आपका नाम उपदेश फिर शुद्ध किया जाता है, उसके बाद फिर आपको सर्वलाभ प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेकंड मंत्र सतनाम देते हैं, आपको अच्छी तरह इस रंग में रंग के और ज्ञान से परिपक्व करके फिर देते हैं। और सतनाम के बाद भी, क्योंकि अब तो हमारे इस तत्व ज्ञान का और यथार्थ इस कबीर पंथ का उत्थान है, शुरुआत है, प्रारंभ है, ये एक सूर्य सा निकल रहा है, तो अभी इसकी रोशनी घनी हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा प्रारंभ हुआ है। तो इसमें क्या समस्या हमारे सामने आ रही है कि अन्य जो समाज है वो इस तत्व ज्ञान से और भगवान से कति अपरिचित है। आप जी दीक्षा लेकर जाते हैं तो आपकी क्रियाएं उस जगत की क्रियाओं से विपरीत है। जगत और भगत का सदा से इन्हीं बातों में विरोध रहा है, और जिस कारण से कुछ सामाजिक प्रेशर घर के घर में कोई ऐसी समस्या पैदा कर देते हैं तो आपका नाम खंडित हो जाता है। लेकिन परमात्मा ने कहा है सतमत सतना छोड़े सूरमा और सत छोड़े पतजा और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। इस दास ने जब ये मार्ग प्रारंभ किया, ये ज्ञान चर्चा प्रारंभ की, कहीं की सुनाना शुरू किया, जो एक बार सुन लेता था दोबारा मेरे पास भी नहीं आता था, और ये सोचता था ये तो मेंटल हो लिया, ऊट पटांग बात करता है, कबीर दानक को भगवान बताता है। लेकिन दास परिचित हो चुका था, परमात्मा को गहराई से जान चुका था, दास फिर वापस नहीं हट सकता। कहते हैं संत संग और सूरमा यानी सैनिक, इनका स्वभाव आगे ही बढ़ने का होता, पीछे नहीं हटा करते। और इसका परमात्मा ने कहा कि सतना छोड़े सूरमा सत छोड़े पतजा, परमात्मा के सत्य को इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसके छोड़ देने से भगवान रुष्ट हो जाएगा, और भगवान रुष्ट हो जाएगा तो जगत ने कुछ देना ही नहीं, जगत बेशक रुष्ट हो जा पर मालिक ना रुष्ट होना चाहिए, और मालिक रुष्ट हो गया तो अपने आप जगत आपके साथ होगा। आज आप देख रहे हैं प्रारंभ दास का कितना विरोध था, फिर कुछ आपके भाई बहनों ने दास के ज्ञान को भगवान को अच्छी तरह समझा दृढ़ता के साथ, वो ऐसे हो गए जैसे पिलर हो गया वो जाकर स्टेनलेस स्टील के जो हमारे दीक्षित हो गए थे, और 2006 में नकली आचार्यों ने और इन कुछ धर्म गुरुओं ने ऐसी झूठी अफवाहें फैला करके हमारा कितना घोर विरोध किया था, जेल तक जाना पड़ा। लेकिन जितने भी हमारे भक्त थे ऐसे थे जैसे मूसल होया करे लो के, उन्हें कोई मोड़ नहीं सका, उनको कोई वापस नहीं कर सका, उनको डगमग नहीं कर सका। तो परमात्मा की वो बात रह रहकर याद आती थी, सतना छोड़े सूरमा सत छोड़े पतजा और सत के बांधे लक्ष्मी या फेर में ले गया। आज देख रहे हो आप पूरा विश्व हमारे साथ होगा, और उस दिन हम ही डगमग हो जाते तो फिर क्या था भगवान का मार्ग जो का तू रह जाता। और जो हमारा विरोध कर रहे थे और कर रहे हैं आज, वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको पता नहीं हमने पता ज्ञान हो गया,
वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं। ये काल प्रेरणा से वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, वो अपने पाप एकत्रित कर रहे हैं। हमने वो भी दुख है उनका कि वो हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे पर अपना घना नुकसान कर लेंगे। ये परमात्मा का मार्ग है और इस पे परमात्मा ने ये मार्ग डाल बिछा दिया है तो हर इस पर यह राम नाम की गाड़ी चलेगी चलेगी, इसने कोई रोक नहीं सकता। और जिसने भी राम नाम की गाड़ी को रोकने की चेष्टा की है वो अंधा गधा साबित हुआ लास्ट में। अंधा गधा कौन था? हिरण्यकशिपु था। एक का था एक लोकतप जो है प्रहलाद, और हिरण्यकशिपु राजा था, सिद्धि युक्त था, और ना जाने कितनी सेना उसके साथ थी, सारी पब्लिक उसके साथ थी क्योंकि वो राजा था। लेकिन प्रहलाद उसका पुत्र होते हुए भी वो भगवान का बच्चा था, ज्ञान से पूरा परिचित था कि पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये भगवान से विरोध कर रहा है, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। बहुत समझाया पर माना नहीं, लेकिन पिताजी नहीं माना तो पुत्र भी नहीं माना, वो भी अपने उद्देश्य पे अडिग रहा। तो अंत क्या रहा आपको विदित है। एरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। हिरण्यकशिपु ने कहते आखिर में छाती तोड़वाई भगत के टकरा के, और भगत ब्राह्मण को आवे और कर्म इसे बुरे, ऐसी बुरी सोच एक मासूम बालक को अपने पुत्र को भी मारने से वो नहीं पीछे हट रहा था, तो भगत हो सकता ब्राह्मण है। तो यहां फिर रावण ने ऐसे ही जुल्म किया था। तो कहने का भाव यह है कि जो भगवान के मार्ग में बाधक बनते हैं वो अंधे गधे होते हैं, उनको अकल नाम की चीज नहीं होती। एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर के बीच में खड़ा हो गया। अब अंधा गधा क्या करता है, जब उसको कोई डिस्टर्ब करता होता है, कोई छेड़छाड़ करा करे, तो जिधर से उसको आहट आती है कि इधर कोई शरारती तत्व है, उसी तरफ दोनों पैर कर लिया करे अपने पिछले, और कोई छेड़ाछाड़ी करे तो दोनों दुलत्ती मारा करे मारता है। इसी प्रकार उसने देखा कि तू जहां खड़ा है तेरे बैक साइड से दूसरी साइड से कोई गड़बड़ हो रही है, गाड़ी आ रही थी गड़गड़ करती हुई, वो गधे ने उसी तरफ दुलत्ती कर ली दोनों अकांड देश को निकट मेरे। अब वो निकट आया तो उसने इंजन निकट आया, गधे ने दोनों दुलत्ती मारी गाड़ी को रोकने के लिए, अपने से दूर भगाने के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं था अंधे तू रेल के मार्ग के बीच में खड़ा है, उठा के पटक दिया। तो जो इस भगवान के मार्ग में जो बाधा करने की चेष्टा करेगा वो अंधा गधा होगा, उसका अर्थ अच्छा नहीं होगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा की शरण में जो भी भक्त एक बार आ जाते हैं उनको परमात्मा पार करके छोड़ता है। एक बार तो उसकी शरण में किसी युग में आ गया तो उसको पार करके ही छोड़ेंगे। तो जैसा कि परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, और गेल गेल ला गया फिरू जब तक धरती आकाश। जैसा कि सत्संग में दास बहुत बार सुनाता है धर्मदास जी का प्रसंग, और ये इतना बड़ा प्रसंग है कि एक दिन में पूरा नहीं होता। परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। जैसे पहले दास सात सात दिन के समागम किया करता था प्रारंभ में, और दिन में तीन तीन बार सत्संग करता था, तब कुछ आंशिक महिमा भगवान की सात दिन में परमात्मा की वाणी को पढ़कर सुनाकर समझा पाया करता था। उसके बाद फिर परमात्मा ने दया करी कि इन सदग्रंथ तो हमारे गीता वेद पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब इनका ज्ञान कराया। फिर दास ने यह सोचा कि जब तक इस परमात्मा की महिमा हमारे पवित्र सदग्रंथों से नहीं तोली जाएगी जांची जाएगी तब तक हमारा साथी नहीं हो पाएगा कोई भी।
तो उसके लिए परमात्मा ने उसी समय ये ऐसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, प्रोजेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, और अब ये मोबाइल टेलीविजन, ये मेमोरी कार्ड। तो इनके सहयोग से फिर दास ने पहले ये बताना चाहा कि कबीर इज गॉड। यदि हम परमात्मा की महिमा वाली वाणी से ही, गरीबदास जी की वाणी से हम आपको समझाने चाहते तो आपके मन में कोई ना कोई दोष भरा रहता। सुख तो भगवान देता ही देता है, यह तो इसका स्वभाव है, और सुख होते रहे और एक दुख भी हो जाए किसी कारण से तो फिर आप अन्य स्थान पर चले जाते। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, देखा देखी भक्ति का वही रंग नहीं ठहराए। इस दास को सन 2000 के अंदर प्रेरणा हुई थी परमात्मा की, कि परमात्मा की एक वाणी पढ़ा करते थे हम कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। इस वाणी का भावार्थ है कि मेरी महिमा वेदों में परिपूर्ण है, वेद जो हैं ये वेद मेरा ही भेद बताते हैं, मेरी ही महिमा की जानकारी देते हैं, लेकिन इन वेदों में मुझे प्राप्त करने की वो मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है, क्योंकि वो पूजा की विधि परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताई है, और जो काल ने सूक्ष्म वेद समाप्त कर दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है। उसके लिए वेद भी प्रमाणित करते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहां आता है, अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करते हुए बोलता रहता है, घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी द्वारा ज्ञान सुना सुना कर प्रेरित करता है भक्ति के लिए, और वो भक्ति मार्ग के गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को सार्वजनिक करता है। परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, कि वेदों में ये मंत्र नहीं था, सो हम मंत्र किसी वेद में, गीता में नहीं है, किसी भी सदग्रंथ में नहीं है। तो वेद भी कहते हैं कि भक्ति के गुप्त मंत्रों को वही आविष्कृत करता है, वही उसका जानकारी देता है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो इस प्रेरणा से दास ने सोचा कि भी वेद तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमने देखे भी नहीं थे वेद कैसे हैं, कैसे लिखे हैं, सुना सुना था। श्रीमद् भगवत गीता को हम मानते थे कि चारों वेदों का ये सारांश है। तो दास ने सोचा था कि कुछ गीता में अवश्य मिलेगा, जब वेदों का सारांश है तो गीता और वेद एक ही है। इस उद्देश्य से दास ने श्रीमद् भगवत गीता को परमात्मा के द्वारा दिए गए उस ज्ञान दृष्टि से देखा, उस रोशनी से देखा, टॉर्च से, गहरी नजर से देखा। ओहो, दास को उस दिन जो खुशी हुई थी उसका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। उद्देश्य ये था कि दाता अर्ज ये थी परमेश्वर से दास की कि यदि आपकी महिमा सत, आपकी वाणी सत, आप सत, आपका ज्ञान सत, आप भगवान सत, और दास देख रहा है ऐसे ऐसे सुख दे रखे थे जो शरण में आए थे उस समय, ऐसे ऐसे संकट उनके दूर कर दिए थे, सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब तक आपकी महिमा परमात्मा इन हमारे सदग्रंथों से नहीं मिलेगी, आपको आपके बच्चे समझ नहीं सकेंगे। और जब देखा उस गीता में, ओए होए, जब तो दास ने ये देखा था कि गीता श्री कृष्ण जी ने बोली इस दृष्टिकोण से, और सृष्टि श्री कृष्ण इज विष्णु,
और विष्णु इज सुप्रीम पावर, ऐसा हम दंत कथा लोक वेद से सुना करते थे। और इसके ऊपर कोई भगवान नहीं, इसके ऊपर कोई कर्ता नहीं, ये सर्वशक्तिमान है, अजर अमर है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। जब दास ने दूसरे अध्याय के बारे में श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता, चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में पढ़ा कि वो परमात्मा अविनाशी परमात्मा तो कोई और है, उस वो है अविनाशी परमात्मा जिसने सुब्रमण्यों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। इसे सिद्ध इन पांच चार श्लोकों से एकदम कलेजे में धक धक हुई, हे परमात्मा, इसे सिद्ध है कि इससे हटकर कोई परमात्मा है जो अविनाशी भी है और जो सबका रचनहार भी है। फिर आगे बढ़ते गए, चौथे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में फिर कहा कि उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है और गीता वाला बोलने वाला भगवान उस ज्ञान से भी परिचित नहीं है। अठारहवें अध्याय के बैसठवें श्लोक में कहा कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, वो तेरे की। ये तो स्पष्ट थे, जब तक हमारी आंखों में मोतिया बंद था तो हम आंखें भी स्थिर दिखें थी पर दिखाई कुछ नहीं देता था। और ये हमारे धर्मगुरु ओए आज तक ये उल्टा पाठ पढ़ा पढ़ा के विद्वान कहला गए। इनके विषय में परमेश्वर ने अमृत सूक्ष्म वाणी में कहा, सूक्ष्म वेद में, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनको फिरा मोतिया बंदरे। ये अंग्रेजी के संस्कृत के विद्वान कहलावे थे और वेद और गीता के मर्मज ज्ञाता माने जाते थे। इन्हें कैख है भी नहीं पता था वेद और गीताओं का, गीता का इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, सभी भागों को बता देगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके भूमिका की थी और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं हम साहेब हम संत हैं, हम ही अलकला हैं, कुतुब गोश और पीर, पीर माने गुरु और गरीब दास खालिक तनी हमरा नाम कबीर। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकीदार जो निरंजन कहो तो सरपुरुष कहो, ये ब्रह्म काल है और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, लेकिन मूल जड़ उस संसार रूपी वृक्ष की वो कौन है, वो ये दास भेजा बताने के लिए कि वो कबीर साहेब है, वो दुल्हा धानक है और यही सारी सृष्टि के रतनहार है। और उससे पहले परमात्मा ने अपना परिचय उन महापुरुषों को दे ही दिया था जिन्होंने अपने शपथ पत्र अपने अमृतवाणी में एफिडेविट दे ही रखे थे। एक तो वो अमृतवाणी के एफिडेविट हमारे पास थे, परमात्मा की वाणी हमारे पास थी, लेकिन जो वेद गीता और पुराणों पर आधारित यानी हिंदुस्तान के 90-80% हिंदू इन्हीं पुराणों और गीता और वेदों को सत मानते थे, इसके अतिरिक्त ना वो कबीर जी को मानते थे ना वो नानक जी को मानते थे, तो वो भी भगवान के बच्चे थे, उनको साथ लेने के लिए या अर्जीदास की परमात्मा ने स्वीकार की। तो उसमें लिखा हुआ है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा वो वेद वीत है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर पंद्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर यानी अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और उधर वो कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म और ये आगे भी होंगे, तो यहां एकदम शर चक्र आ गया दास का, और जैसे कोई अनमोल खजाना पा गया वो कि अब बनेगी बात। यदि आप श्री कृष्ण मान रहे हो गीता का ज्ञान देने वाला, ये तो कह रहा कोई और परमात्मा है और ये नकली संत आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर
ब्राह्मण ये कहा करके जब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा जाता है कि ये किसकी शरण में जाने को कह रहा है, वो तो अपनी शरण में आने को कह रहा है, अपनी शरण में। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक व्रज शब्द है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापो भव मोक्षामि मा शुच। इन्होंने इसका अर्थानर्थ कर दिया। व्रज माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना, और जहां गो वर्ड लिखा हो किसी सेंटेंस में उसका अर्थ कम लिख दिया, आना लिख दिया, तो कैसा विद्वान होगा वो, महामूर्ख कहा जाता है। तो आज तक ये इसी अपनी ओछी सोच पर अड़े हुए हैं कि वर्द माने आना होता है, शब्द कोश में जाना। और एक एस्कॉन वालों ने जो ये रामकृष्ण परमहंस की एक शाखा है एस्कॉन वालों ने, उन्होंने अनुवाद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के पहले शब्दार्थ लिखे, शब्दों के अर्थ में वर्ज माने जाओ, और फिर नीचे जो अनुवाद लिखा उसमें लिख दिया आओ। ये चौड़े में झूठ बोल रहे। अनुतम, अनुतम माने अश्रेष्ठ, बैड और उत्तम, श्रेष्ठ गुड। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा, नेक है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, व्यस्त है मेरी गति में, मेरे यानी मेरी साधना से, मेरी भक्ति से, ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति है, जो मोक्ष है, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। तो इसे सिद्ध हो गया कि पहले तो हम यही मानकर चलते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान बोला। गीता श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को मानते हो, विष्णु जी को सबसे सुप्रीम पावर मानते हो, और ये खुद स्वयं क्या कह रहा है, तो इस बात से फिर एकदम स्ट्राइक हुआ दिमाग के अंदर, भाई सचमुच या तो बात कहीं और है। तो उसके लिए फिर परमात्मा ने दया करी कि नहीं, श्री कृष्ण भी नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर ये काल बोल रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था, श्री कृष्ण का नाम ओम नहीं था। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने स्पष्ट कर दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको हो जाएगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर महाभारत के अंदर एक प्रकरण पढ़ा दास ने, जब महाभारत हो चुका था, युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हो चुका था, श्री कृष्ण कह रहा था कि मैं अपने द्वारका जाऊंगा और आप अपना राज करो, तब अर्जुन ने कहा था कि भगवान कुछ इंस्ट्रक्शन देकर जाओ हमें, आप हमारे गुरु हैं, हमें कुछ सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके वचनों के आधार से अपने जीवन को आगे सफल करें और राज्य करें। तो उस दिन श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि भगवान आप वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के समय सुनाया था, यानी गीता वाला ज्ञान। और श्री कृष्ण जी कहता मुझे पता नहीं मैंने क्या सुनाया था, अब मैं पूरा पूरा याद नहीं मुझे, उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान सुनाया था। और फिर अर्जुन को धमका रहे हैं, खुरका रहे हैं, तू बुद्धि भ्रष्ट है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू नालायक आदमी है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और फिर खुद कहता मुझे तो याद नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई इस प्रसंग को जानकर, हाय हाय ये दास सत्संग कर रहा है, और साल 6 महीने में आप मुझसे पूछते हो कि जी आपने इस प्रकरण पर उस दिन ज्ञान सुनाया था, फिर सुनाइयो, और मैं ये कहूं भी मुझे तो ज्ञान नहीं, और मूर्खो तुमने याद क्यों नहीं रखा। अंत इसका सिद्ध कि मैंने नहीं बोला, मेरे अंदर कोई प्रेत बोला था। तो इस श्री कृष्ण के अंदर यो काल प्रेतवत बोलकर यो ज्ञान सुनाया गया, और जहां इसने इसमें कुछ अटपट भी की है, वो अपना युद्ध कराने के लिए अटकल लगाकर वो नाश भी करा गया, और ज्ञान वेदों वाला जो का तो बता गया।
इसने अटपट कहां की है, जैसे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और तुरंत कहता है कि पहले कहता है कि किसी भी लाभ हानि की चिंता ना करके तू युद्ध कर, लाभ हानि की चिंता ना करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इस प्रकार युद्ध करेगा तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और तुरंत लाभ हानि याद दिला रहा है कि यदि स्वर्ग में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग में जाएगा और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और पहले कह रहा है तू लाभ हानि को भूल कर निस्वार्थ भाव से लड़। तो ये जो अटकलबाजी थी इसकी, ये इसने युद्ध कराने के लिए बकवास की है, वो अलग स्पष्ट दिखाई देंगी। और जो वेद का ज्ञान है वो भी इसके अंदर परिपूर्ण है, बहुत है। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये सब ज्ञान सुना देखा और उसके बाद फिर वेदों को लाया, वेद अनुवादित थे अधिकतर वर्तमान के अंदर, एक श्रीराम शर्मा हुए हैं उसने तो कतिये बठा बठा रखे, उसने सारा अड़ंगा कर रखे। और दूसरा एक महर्षि दानंद आर्य समाज का प्रवर्तक, इन्हीं के अनुवादित वेद उपलब्ध थे, तो इस दानंद ने उससे भी ज्यादा नाश कर रखा अनुवाद का। इसमें कुछ मालिक की दया हुई है जो दानंद की मृत्यु के उपरांत इनके आचार्यों ने, किसी कोई ब्राह्मण था और उसने अनुवाद किए हैं, वो कुछ ठीक ठाक छोड़ दिए ना तो सारा का उल्टा अर्थ कर रखे ना, कति बठा बठा कर, क्योंकि श्री क्योंकि ये सभी आज तक परमात्मा को निराकार मानते रहे और वेद प्रमाणित, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, ऊपर बैठा, उसका नाम कबीर देव है, वहां से चल कर आता है। और ये उसी दृष्टिकोण से इन्होंने अनर्थ कर डाला, जैसे गीता के अनुवादकों ने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानकर, उसी को सब सर्वेश्वर मानकर, अजन्मा मानकर और गीता जी के अनुवादों का बठा बठाने की चेष्टा की। वर्ज माने जाना, उसका आना किया, अनुत्तम माने घटिया होता, उसका सर्वश्रेष्ठ किया। तो इसी प्रकार इन वेद के अनुवादकर्ताओं ने नाश कर रखा था। फिर दास को अधिक प्रयत्न करना पड़ा, शब्दकोश लाया और तत्व ज्ञान दास के पास था, मूल पाठ वेद और गीता का हमारे पास था। तो वेदों के सबसे पहले दास ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 पढ़ा, क्योंकि दास को मालूम था कि कोई भी ग्रंथ है लास्ट में निष्कर्ष देता है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का लास्ट के 16-17 मंत्र है और 17 के अंदर बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है, क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में निर्णायक ज्ञान है लास्ट के मंत्रों में, तो उसमें उसको देखा। फिर 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में जब देखा कि कबीर उसी गसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी रथ धामा स्वर ज्योति रथ धामा सी, वो तेरे की सबसे लिख रखा जो परम शांति दायक है, उसी गसी जो परम शांति देने वाला है, वो कबीर असी कबीर अंगारी असी वो पाप नाशक, वो कबीर परमात्मा है जो पापों का शत्रु है, बंभारी असी बंदी छोड़ है, पापों का शत्रु है, पाप नाश करने वाला है, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। रित धामा असी वो सतलोक में रहता है, सतलोक का मालिक है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त एक मंत्र 8-9 में स्पष्ट कर रखा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश होती है। तो ये लीलाएं सारी परमात्मा कबीर जी ने कर रखी थी, दास ने वो पढ़ रखी थी। जब इसमें देखा रे हे भगवान, जो बोली वाणी साची के वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों का जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, इसलिए किया है कि आप समझ सकें कि कबीर इज गॉड और हु कबीर, वो उन महापुरुषों ने जिन्होंने आंखों देखा उन्हें प्रमाणित कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पायो, कैसी माए कबीर हुआ। तो इन सभी सदग्रंथों से
और उन परमात्मा के से परिचित और परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के प्रैक्टिकल से ये वेद गीता कुरान पुराण ये हमारी थ्योरी है। और महापुरुषों ने जो परमात्मा पाया उन्होंने उस प्रैक्टिकल किया, थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल होता है। तो उन महापुरुषों ने इस थ्योरी में कौन से फार्मूले अपनाए, वो वेद और गीता में, और सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं उनको मंत्र दिए उनमें प्रमाणित है। तो आज हमने जो प्रैक्टिकल करना है परमात्मा पाने वाला, हमने इस थ्योरी से वही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वही फार्मूले लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा यो प्रैक्टिकल पूरा हो। अब कौन कौन से मंत्र हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट कर दिया है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है ये कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है पूरी गीता जी में और कोई मंत्र नहीं जागरण का। ये राधेश्याम हरि 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 हर ये राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये कहां से लाए, ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव नमः अंडवट ये कहां से लाए मंत्र? ये इसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं साधनाएं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो कोई उनकी गति होती है, न उनको सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यानी यूजलेस व्यर्थ। 24 में श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोकविद वेद और दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना। तो ये जो मंत्र है ओम मंत्र है ब्रह्म का, सर्वपुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष, 16 में कहा कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो इस लोक में दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि इनसे हटकर है कोई पूर्व पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ प्रभु, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में परमात्मा है, वही वास्तव में अविनाशी है। अब यहां भ्रमणा पैदा कर देते हैं ये कुछ भक्त श्रद्धालु जो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, कहते हैं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को रामपाल नहीं बोलता, उसमें खुद ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं पुरुषोत्तम हूं, वो उनका भावार्थ खुद समझ नहीं पा रहे जो इस दास के इस ज्ञान का विरोध करते हैं। उसमें क्या लिखा है कि अर्जुन इस लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम क्यों प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी हैं, ये सुप्रीम पावर हम मान रहे थे इनको यहां की, कहता इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, इनसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं लोक वेद माने दंत कथा अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तक कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी है। तो पुण्यात्माओं देखो, हमारे अंदर ज्ञान अज्ञान खचाखच भर रखा है ठोक ठोक के, और ये उसको खुरचना और फिर नया ज्ञान डालना तो टाइम तो लगेगा इसमें थोड़ा सा, लेकिन ये ज्ञान जब आपके हृदय में समा गया फिर और नहीं समाओगा, फिर कितनी बात बनाओ। अब जो इस प्रकार दास ने जब इस ज्ञान को देखा तो फिर नए सिरे से श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया और उस पुस्तक का नाम रखा गहरी नजर गीता में। उसमें सबसे पहले सृष्टि रचना बताई ताकि प्रपाठक सबसे पहले सृष्टि रचना से परिचित हो। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे आप किसी भी ग्रंथ को समझ नहीं सकते। सृष्टि रचना इज द मास्टर की ऑफ द स्पिरिचुअल लिटरेचर। इस आध्यात्मिक इन ग्रंथों की सृष्टि रचना एक मास्टर की है, मुख्य चाबी है,
और जिसके ये हृदय में समागी सृष्टि रचना शत प्रतिशत सही है, क्योंकि दास ने सृष्टि रचना तो थोड़े से समय की है वर्बली, उसके बाद प्रमाण इतने ढेर सारे धर रखे हैं वेदों से, गीता से, बाइबल से, कुरान से, पुराणों से, कि ये सृष्टि रचना सत्य है। उसके सत्य सिद्ध होने के बाद फिर आपको दास के सारे वचन सिद्ध होंगे, सत्य होंगे, और सब ग्रंथ आपके फटाफट समझ आओगे। तो कोई भी वस्तु है उसका अनुकूल ही चलने से हमें बात बनती है, शास्त्र अनुकूल ही चलना पड़ता है, उसके फार्मूलों से ही बात बनती है। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे जो हमने प्रैक्टिकल करना है उसके लिए जिन महापुरुषों ने जो फार्मूले लगाए हैं और उनको प्रैक्टिकल उनका सफल हुआ है, उन्होंने वही बताया है जो वेद बताते हैं कि कभी परमात्मा ऊपर बैठा है, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है जहां परमेश्वर का डेरा, किसने? गरीबदास जी ने बताया, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु, कि परमात्मा के सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, आप उसको ना देख पाओगे तो आपका जन्म व्यर्थ जाएगा, यानी उसको नहीं प्राप्त कर सके जो भगवान ऊपर बैठा है। उसके पाने की विधि उन्होंने बताई है, कौन से मंत्र हैं। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में तो आपको स्पष्ट कर दिया कि ओम मंत्र है बस पूरी गीता, और पूरे सभी वेदों में एक ही मंत्र है ओम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट कर रखा है कि वायु अनिलम अथिदम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर कल्बो समर और कर्तुम समर है। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, यानी एक जगह बैठ कर हठ योग करके गांव छोड़कर नहीं जाना, यानी अपना स्वाभाविक जो काम करते हो समय मिलता है तो बैठकर भी कर लो, यानी अपने दैनिक कर्म योगी रहते हुए आप भक्ति कर सकते हो, और करो बिल्कुल कसक के साथ। साई यो मत जानियो प्रीत गटे ममचत, और मरो तो तुम सुमृत मरो और जीवत सुमरु नित। बहुत गहराई के साथ, कसक के साथ, भगवान की तरफ के साथ स्मरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर स्मरण करो। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 का ये सारांश है। और वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, जब आपका शरीर नष्ट होगा उस समय आपको उतना अमृतम उतना अमृतव वो गति हो जाएगी जो ओम नाम से होनी है। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक लास्ट के अंदर मंत्र लास्ट में 17 में गीत ओ वेद ज्ञान दाता वही है, वो कहता मैं ब्रह्म हूं, मैं ऊपर खम्भ यानी दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं, और वो परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो तो परोक्ष है, गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो पृथ्वी पर आता ही नहीं, वो तो निराकार है। और जन्म लेने वालों में जैसे ये 9-10 अवतार हमने मान रखे, राम कृष्ण और आदि आदि जैसे, तो उसके विषय में बताया कि ये श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। जो तत्वदर्शी संत धीराणाम बताते हैं उनसे सुनो, वो देंगे सही ज्ञान। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान सूक्ष्म वेद बोलता है वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन ऋषियों ने कि बुद्धि वहां गई नहीं, कि जब वेद ज्ञान दाता गीता ज्ञान दाता कहता कि वो ज्ञान तो मैं जानता ही नहीं, तो उन्होंने इनकम्प्लीट फार्मूले लाकर प्रैक्टिकल किया, ओम नाम का जाप किया, काल ने एक आकाशवाणी की थी,
जिस समय ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था और नारद जी से बता रहे अपने पुत्र से कि बेटा मैं जब कमल के फूल पर बैठा था मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया, फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, फिर सृष्टि करने लग गया। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में प्राप्त हुए, वेदों में ओ मंत्र है, कोई हठ योग का कोई प्रावधान नहीं है, गीता जी में भी कोई प्रावधान नहीं है हठ योग का, बल्कि जो हठ योग करके घोर तप को तपते हैं सूत्र में दाय के 1 से लेकर और 6-7 मंत्र तक स्पष्ट किया है कि वो तो मुझे भी तंग करते हैं और वो उनको तो राक्षस वृत्ति के ही जान। तो इन्होंने क्या किया, ऋषियों ने ओम नाम का जाप तो वेदों से ले लिया, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र से, और हठ कहां से ले लिया, तप घोर तप ये ब्रह्मा जी से ले लिया कि ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे आकाशवाणी हुई थी परमात्मा की, इनको आज तक पता नहीं परमात्मा है कौन, वो थी इस काल की आकाशवाणी, तो उस काल की वाणी को साथ जोड़ लिया। इसने तो ये काम करवाना था कि डड़े डोए उधर से वेद भगवान के डर से इसने ये ज्ञान वेद वाला गीता में और वेद जो कुछ छुपा छुपो कर देना पड़ा इसने अधूरा सा, तो उसकी पूर्ति भगवान ने आके करनी पड़ती है, प्रत्येक युग में आते हैं। तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या करना किया, ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग समाधि स्थान लगे, इसे परमात्मा नहीं मिल सकता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप जो मैंने आज तुझे दिखाया, और जिस रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा कांप रहा खड़ा है, इतना भयंकर डरावना, भगवान का रूप ऐसा डरावना नहीं होता है, तो वो कहता मेरा ये रूप है, मैं काल हूं, यानी मेरी प्राप्ति ये इस रूप की है और ये मेरा रूप तूने देखा है आज मेरी कृपा से, मैंने अनुग्रह करके तुझे दिखा दिया कृपा करके, और इससे पहले ना किसी ने देखा ना आगे कोई देख सकता, और ना किसी जप से ना तप से ना कोई वेदों में वर्णित विधि से ना किसी यज्ञ से मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता। यानी ब्रह्म की प्राप्ति तो वही होगी जब इस रूप में देख लेंगे उसको। इससे सिद्ध होगा कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म लोक प्राप्ति है, और ब्रह्म लोक में गए हुए अपने पुण्यों को समाप्त करके अपनी पूंजी पुण्य की नष्ट करके जैसे होटलों में जाते हैं अच्छे धनी लोग जो हैं वो बड़े बड़े ये 5 स्टार कितने स्टार बोले हैं उन होटलों में जाते हैं, उनके चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं तो उनका जल्दी नाश होता है, यानी उनका धन भी घना होता है, उनका खर्चा भी वहां ज्यादा ही लगता। तो ऐसे होटल हैं ये जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर, और इनमें उस होटल के मालिकों का अलग से कमीशन और महंगा खर्च लगाना है वो अलग, यानी मनमान्य दाम लगाने रेट लगाने और कमीशन अलग से लेते हैं, इस कारण से ही अपना डमडमा चला रहे ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो कहने का भाव ये है कि इन मंत्रों से, इनकम्प्लीट मंत्र हैं, इनकम्प्लीट प्रैक्टिकल हुआ, जिस कारण से इन्होंने सभी ने अनुभव कर अपना थक दिए, लास्ट में लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल पूरा नहीं था। और पूरे प्रैक्टिकल के लिए पूरे फॉर्मूले चाहिए, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वो मंत्र बताया, सांकेतिक मंत्र है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसने स्पष्ट किया कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते, उसका जो मंत्र है वो उसके पाने का और वो स्थान प्राप्त करने का जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो तो इस 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स और कुछ नहीं।